Hello student, good morning to everyone. Welcome to Strong Foundation Academy Patna online classes. Myself Professor K. Kishore. Today I deliver the lecture on the topic of force and laws of motion. Lecture number 5 for class 9 CBSE and ICSE board. In lecture number 4, what you are discussing? हम लोग लेक्चर नंबर 4 में क्या डिस्कस किए थे? सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, राइट? तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बेसिकली स्लाइटली हम लोग उसका कंक्लूजन को आज थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं. फर्स्ट लॉ में हम लोग क्या देखे थे, जब कोई भी बॉडी का स्टेट चेंज करना हो, इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड स्टेट चेंज मींस, यदि वो बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाना हो, इफ द बॉडी इज इन रेस्ट उसको मोशन में लाना हो, देन व्हाट यू नीड, we need the external force, we need the external force to change the state of the object. यही मेरा first law है. second law में basic हम लोग क्या देखे हैं कि जो external force हम लोग लगा रहे थे object के motion को change करने के लिए, state को change करने के लिए, उसका value कैसे find out करेंगे, what is the mathematical formula. first law में हमने क्या learn किया कि किसी भी object को स्टेट चेंज करना है तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो हम लोग देखा कि वी नीड एक्सटर्नल फोर्स, राइट? ओके, फर्स्ट लॉ. जब मुझे पता चला कि फोर्स मुझे अप्लाई करना है, एक्सटर्नल किस तरह का फोर्स है, ध्यान देने की बात है, ऑलवेज एक्सटर्नल किस तरह टाइप का है, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं. फर्स्ट लॉ से जब मुझे पता चल गया कि अनबैलेंस फोर्स वी नीड टू चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो एक्सटर्नल फोर्स का क्या वैल्यू होगा, कितना हम फोर्स लगाएंगे उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो कहां से हम लोग को मिल रहा है कॉन्सेप्ट, न्यूटन्स सेकंड लॉ या सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट? तो इन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग क्या फाइनली जो फॉर्मूला ड्राइव किए थे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट? तो फर्स्ट देखते हैं फोर्स किस तरह की क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? तो जब एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होगा तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, राइट? तो फर्स्ट थिंग, फोर्स किस तरह का क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, राइट? रीजन बिहाइंड एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मींस जब भी हम फोर्स डिफाइन करेंगे तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे, राइट? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की बात होगी. नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फोर्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फोर्स एंड एसआई यूनिट उसका क्या है, मास का क्या यूनिट होता है, किलोग्राम, राइट? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फोर्स, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन भी हम लोग बोलते हैं, और न्यूटन, ये एसआई यूनिट हो गया. कल के ही फॉर्मूला में एंड लेक्चर नंबर 4 में फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इसको और कैसे ले सकते हैं, मास आप ऑलरेडी जानते हो इक्वेशन ऑफ मोशन में, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, व्हाट इज द एक्सीलरेशन वैल्यू, v minus u divided by t. So this equation can also be written in form of v minus u divided by t. This formula is also very important for solving the problem. दोनों formula important है. Force is equal to mass into acceleration और mass into v. v कौन सा velocity है? Final velocity. u जो है initial velocity divided by t. Both formula is very important for solving the numerical problems, right? अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे कि और फंडामेंटल आपके क्लियर होंगे, राइट बेटे? ये जो कॉन्सेप्ट आया फोर्स इज इक्वल टू मास ब्रैकेट में इनटू बी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस फॉर्मूला का. क्या है इसका इंपॉर्टेंस, जैसे मान लो कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, राइट? कोई क्रिकेट खिलाड़ी जब बॉल को कैच पकड़ता है तो व्हाट हैपेंस, आप देखते होंगे कि जब भी वो कैच पकड़ता है तो
अपने हाथ को नीचे करता, वाई क्यों नहीं ऐसे ही बॉल पकड़ के कैच करता है, वो भी करता है, लेकिन जब बॉल हैंड को वो नीचे नहीं करता है तो व्हाट यू आर नीड, हम लोग क्या देखते हैं कि उसको उस बॉल को रोकने के लिए ही नीड मोर फोर्स, क्योंकि उसका वेलोसिटी उस समय ज्यादा रहता है, और बॉल को जब मैं हैंड नीचे नहीं करता हूं तो मुझे उस बॉल के वेलोसिटी को जीरो करने के लिए मुझे वी नीड मोर फोर्स, राइट। तो मुझे हाथ में कम से कम चोट लगे और कम से कम फोर्स लगाना हो तो व्हाट यू आर डूइंग, हम लोग क्या करते हैं हैंड को देखिए क्रिकेट खिलाड़ी हैंड को नीचे लेके आते हैं सो दैट कि वो कैच को अच्छी आसानी से पकड़ सके और कम से कम फोर्स पर लगे जिससे कारण का वेलोसिटी जीरो होगा। जैसे मान लो कोई खिलाड़ी है ठीक है, ये कैच पकड़ना चाह रहा है, बॉल आया राइट, तो हम क्या देखते हैं जब ये बॉल को इसी तरह से पकड़ेगा ही नीड्स मोर वेलोसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल बॉल का वेलोसिटी भी है, बॉल का इनिशियल वेलोसिटी भी है राइट, और फाइनल वेलोसिटी कोई क्या है, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, इसको यू से चाहे बी से ही रखो, बी इनिशियल सॉरी बी इज योर इनिशियल वेलोसिटी, बी वेलोसिटी से आ रहा है राइट, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, बॉल फाइनली डस्ट में आ जा रहा है। मैंने जो किया कि बॉल का स्पीड जो होगा वेलोसिटी जो होगा भी होगा और फाइनली क्या हो रहा है वेलोसिटी उसका जीरो हो जा रहा है राइट। तो जब मैं बॉल को हैंड को अपना नीचे नहीं करता हूं और तो व्हाट टू योर कंक्लूजन, यहां पर आप ध्यान दोगे कि जो मेरा फॉर्मूला था फोर्स इज इक्वल टू मास v माइनस q डिवाइडेड बाय t राइट, तो यहां पर क्या हो रहा है फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा, फोर्स इक्वल टू मास, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने भी अज्यूम कर लिया, डिवाइडेड बाय टाइम, अंडरस्टैंड। अब यहां पे देखिए मास, बॉल का तो मास फिक्स है, दिस मास ऑफ दिस बॉल इज फिक्स राइट, ये भी वेलोसिटी जो है यहां पर इसका भी वैल्यू फिक्स है, यहां पर वेरिएबल क्या है टाइम, वेरिएबल क्या है टाइम, इट मींस फ्रॉम दिस फॉर्मूला व्हाट यू आर कंक्लूजन, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, अंडरस्टैंड। यहां पर देख ध्यान से देखिए इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी बॉल का v है, तो फॉर्मूला क्या है f इक्वल टू मास इनटू v माइनस u डिवाइडेड बाय t, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 पुट कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी v है डिवाइडेड बाय टाइम, मास फिक्स वेलोसिटी फिक्स, तो वेरिएबल कौन सा है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इट मींस इस फॉर्मूला से व्हाट योर कंक्लूजन, यदि टाइम जैसे इस बॉल का वेलोसिटी 0 होने में ज्यादा टाइम लगेगा फोर्स कम लगेगा, यानी इफ द टी का वैल्यू ज्यादा होगा देन व्हाट हैपेंस, फोर्स का वैल्यू कम होगा, टी का वैल्यू कम होगा तो वी नीड मोर फोर्स राइट। तो इस फॉर्मूला से कंक्लूजन क्या निकल रहा, यदि टाइम वेलोसिटी को टाइम कौन सा टाइम हो रहा, जिस वेलोसिटी वी इनिशियल वेलोसिटी वी है और बॉल के वेलोसिटी 0 होने में जो टाइम लगा उस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो टाइम का वैल्यू कम से कम रहेगा, इस स्टेज में क्या हो रहा है मैं अपने हैंड को नीचे नहीं करने जा रहा हूं, तो इस स्टेज में टाइम का वैल्यू बहुत कम है, टाइम का वैल्यू कम होने के कारण वी नीड मोर फोर्स, और जैसे ही मैं हैंड को नीचे लगा रहा हूं तो वेलोसिटी को बॉल का वेलोसिटी 0 होने में इट टेक्स टाइम, यानी इट मींस टी का वैल्यू को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो टी का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो मुझे फोर्स का भी वैल्यू कम होगा, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टी का वैल्यू ज्यादा हुआ फोर्स का वैल्यू कम होगा, तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल एग्जांपल्स। उसी तरह से आप देखे हुए एथलेट जो आप लोग जंप करते हैं राइट, तो जंप करते हैं यदि मान लो फर्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल माइसेल्फ मैं जंप करना चाह रहा हूं, यदि फर्स्ट मेरा हार्ड है तो मेरा वेलोसिटी 0 होने में इट टेक्स मिनिमम टाइम, और उसके कारण क्या होगा मुझे फुट में ज्यादा से ज्यादा या तो चोट भी लग सकती है, क्योंकि मैं अपने बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए टाइम स्पैन वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई जो फर्स्ट के कारण जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगेगा। लेकिन उसी तरह से यदि मैं जंप करूं सैंड हो चाहे जहां मिट्टी हो, तो वहां पर क्या होगा मेरे बॉडी का जंप करने के बाद जो मेरी वेलोसिटी 0 होने में इट टेक्स टाइम,
इसीलिए आप देखोगे कि कुश्ती वाले चाहे जंप करने वाले बालू में जंप करते हैं या मिट्टी में जंप करते हैं, सो दैट उनका बॉडी जो होगा जंप करने के बाद जो गिरेंगे उसको बॉडी की वेलोसिटी को जीरो होने में कुछ समय लगने के कारण उनके बॉडी में कम से कम चोट लगेगा, राइट। तो दीज आर वेरी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि फोर्स इज मसल प्रोपोर्शनल टू टाइम, रिमेंबर मास का वैल्यू कॉन्स्टेंट, यू का वैल्यू कॉन्स्टेंट, दैट्स व्हाई फोर्स इज मसल प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम जितना ही ज्यादा होगा फोर्स कम होगा, टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, राइट बेटे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, राइट। यही कॉन्सेप्ट को आपको वहां पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ या थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है बेसिकली। सेकेंड लॉ में हम लोग सीख लिए भाई फोर्स कैसे निकालना है, क्या कॉन्सेप्ट है, राइट। अब थर्ड लॉ में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या कहते हैं थर्ड लॉ कि जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे दो, यहां पर ऑलवेज वी आर टॉकिंग टू ऑब्जेक्ट, हमें हमेशा यहां पर दो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। यदि ये दिस इज मेरे, ये मेरा हाथ है, यदि इस पर मैं फोर्स लगाता हूं तो दिस इज योर एक्शन। यहां पर दो टर्म आता है एक्शन एंड रिएक्शन, हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ या थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वी आर टॉकिंग टर्म एक्शन एंड रिएक्शन, इस कॉन्सेप्ट को आप समझो, एक्शन किसको बोल रहे हैं और रिएक्शन किसको बोल रहे हैं। तो दिस इज योर एक्शन और रिएक्शन कौन रहा है, मेरा ये हाथ, जितना फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं उतना ही फोर्स मेरा ये हैंड इस पर भी अप्लाई कर रहा है। सिमिलरली जैसे ये दिस इज योर, ये वन ऑब्जेक्ट, दिस इज योर अनदर ऑब्जेक्ट, राइट। इस पर ये फोर्स लगा, राइट, ये डायरी भी उतना ही फोर्स इस डस्टर पे लगा रहा है। तो यहां पर हमेशा क्या कर रहे हैं, एक्शन और रिएक्शन। उसी तरह से मान लो गन, जो बंदूक जो फौजी मेरे गन चलाते हैं, आप वहां ध्यान देखोगे कि जब वो टिकर करता है तो गोली जो है जिस स्पीड से निकलती है उतना ही स्पीड से बैक से आपका गन भी बैक होता है। तो हम लोग ट्रिगर किए एक्शन, दिस इज योर कॉल एक्शन, किस पर एक्शन हो रहा है, वो छोटे से गोली पर, राइट। रिएक्शन किस पर हो रहा है, जब वो गोली जिस स्पीड वी वेलोसिटी से निकल रही है तो उतना ही स्पीड से गन पे भी रिएक्शन होता है, उसी को हम लोग रिकॉल भी रिकॉइल भी बोलते हैं। तो यहां पर दो टर्म है एक्शन एंड रिएक्शन, अंडरस्टैंड, एक्शन एंड रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन बेसिकली है क्या, फोर्स। एक्शन एंड रिएक्शन है क्या बेसिकली, फोर्स। एक्शन और रिएक्शन है क्या, ये फोर्स अप्लाई किया, दिस इज योर एक्शन, और ये उतना ही जितने फोर्स से मैं अप्लाई कर रहा हूं उतना ही फोर्स मेरा ये हाथ इस पर भी अप्लाई करा, दिस इज योर, ये रिएक्शन हुआ। तो बेसिकली क्या है, एक्शन और रिएक्शन इज ए फोर्स। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना है कि जो फोर्स यहां पर जो है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स बोथ आर इक्वल, दोनों फोर्स बराबर हैं, एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों बराबर हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, ये दोनों फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। कहने का मतलब यदि ये मेरा हाथ है, ये एक्शन क्या है, मैं इस पर, ये वन ऑब्जेक्ट, और रिएक्शन किस पर हो रहा है, इस हाथ पर। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा है, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा है, राइट। तो कहने का व्हाट योर कंक्लूजन, एक्शन रिएक्शन फोर्स आर इक्वल, एक्शन और रिएक्शन ये क्या है बेसिकली, फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कर रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस जो हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट करो, सिर्फ याद करने से नहीं होगा, कि जनरल स्टूडेंट याद करते हैं एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, याद करो ये, चौके एग्जाम में लिखने के लिए सही है लेकिन फंडामेंटल के लिए ऑलवेज फंडामेंटल। तो एक्शन क्या है बेसिकली, फोर्स है, रिएक्शन भी क्या है, फोर्स है, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ कर रहा है।
न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन उसका क्या है अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। इट मींस क्या समझ रहे हो कि ये जो मैंने एक्शन लगाया इसका डायरेक्शन ये फोर्स, और ये जो मैं पाल्म है ये इस पर लगाया इसका डायरेक्शन ये, तो दोनों फोर्स क्या है इक्वल एंड ये लगा एक्शन, दिस इज योर एक्शन फोर्स का डायरेक्शन, और एक्शन ये पाल्म लगा रहा है दिस इज योर रिएक्शन फोर्स, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड इज सेम, एक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा मैग्नीट्यूड जो है सेम है, राइट। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या ध्यान देना है कि ये जो फोर्स लग रहा है ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ये फोर्स जो लग रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, नॉट इन सेम, सेम ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्स नहीं लग रहा। तो ये थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज यू आर टॉकिंग एक्शन रिएक्शन फोर्स, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या, एक्शन और रिएक्शन क्या है बेसिकली फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट है, ये फोर्स जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ये फोर्स जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। समटाइम्स स्टूडेंट को क्या कंफ्यूजन होता है, सर आपने तो बोला फोर्स बराबर है, फोर्स बराबर है क्या एक्सीलरेशन सेम होगा, यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन फोर्स इक्वल है तो इट मीन्स जो एक्सीलरेशन होगा फोर्स, जो सेकंड लॉ में हम लोग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जब फोर्स इक्वल होगा क्या एक्सीलरेशन सेम होगा, इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज ये फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, ये फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगने का मतलब उसका मास भी डिफरेंट होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये है इसका मेरा मास अलग इसका मास अलग, जब मास डिफरेंट होगा तो एक्सीलरेशन भी डिफरेंट होगा, यदि मास सेम होगा तब एक्सीलरेशन सेम होगा, राइट। तो डू नॉट कंफ्यूज कि फोर्स इक्वल लग रहा है एक्शन रिएक्शन फोर्स तो एक्सीलरेशन भी सेम होगा, इट इज जैसे गन के इस केस में आप देखो जब कोई फौजी होता है जब ट्रिगर करता है तो जो गोल आपका गोली है उसका स्पीड बहुत हाई स्पीड होता है, लेकिन क्यों है उसका हाई स्पीड, उसका मास कम है और गन का मास ज्यादा है, वेलोसिटी तो इट मींस जब वेलोसिटी उसका गन का मास ज्यादा होने के कारण इसमें एक्सीलरेशन कम होगा और गन में गोली में एक्सीलरेशन ज्यादा होगा क्योंकि गोली का मास कम है। तो इट डजन, हाँ फोर्स दोनों में इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, सेम लग रहा है, जितने फोर्स से मैंने ट्रिगर किया उतना ही फोर्स से जब वो बाहर निकलता है तो सेम फोर्स गन पर अप्लाई कर रहा है, तो फोर्स इक्वल बट इट इज नॉट नेसेसरी कि एक्सीलरेशन सेम होगा क्योंकि ये दोनों फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगने का मतलब होगा उसका मास डिफरेंट हो सकता है, मास डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली एक्सीलरेशन भी डिफरेंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ का, राइट बेटे, इसको आप अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिएगा, वीडियो को अच्छी तरह से देखकर कोई भी डाउट होता है तो मेरे वेबसाइट पर जाकर आप लॉग इन कीजिएगा www.sfapatna.com, राइट बेटे। और जब कभी भी डाउट्स जो लगते हैं मेरे वेबसाइट पर जाने के बाद आप सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स, राइट, सारे कहीं से भी आप कनेक्टिविटी मुझसे डायरेक्ट हो सकते हैं, और मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे वेबसाइट पर भी पड़े हुए हैं और यूट्यूब पर भी है SFA पटना पे भी मेरे सारे लेक्चर्स 9th और 10th को आप देख सकते हैं। और कोशिश कीजिए एवरी स्टूडेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख कर अपने स्टडी को इम्प्लीमेंट कीजिए, राइट बेटे। और आई होप कि मेरे वीडियोस आप लोग के स्टडी में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट ला रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेरी आते हैं और उस क्वेरी को मैं टाइम स्लॉट एवरी स्टूडेंट के लिए फिक्स कर दिया हूँ 4 to 5 PM इवनिंग टाइम, आप मेरे व्हाट्सएप से या डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया हुआ है वेबसाइट पर अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू बेटे, थैंक यू।